आज हम जेनेटिक्स में छोटा सा एक टॉपिक है जिसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन इनहेरिटेंस स्टडीज, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस है उसके स्टडी में जो छोटे छोटे टर्म्स यूज आते हैं उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जीन के बारे में स्टडी करेंगे, व्हाट इज जीन। तो जीन को मेंडेलियन को फैक्टर कहा था, जीन इज ऑल्सो कॉल्ड मेंडेलियन फैक्टर, इसीलिए इसको मेंडल ने इसे फैक्टर कहा था। क्वेश्चन भी आ जाता है जीन आर कॉल्ड फैक्टर बाय, किसके द्वारा कहा गया था, तो मेंडल के द्वारा, मेंडल ने इसे फैक्टर कहा था। उसके बाद इन मॉडर्न सेंस, यदि इसकी डिफिनेशन की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, तो इन मॉडर्न सेंस एंड इनहेरिटेड फैक्टर्स दैट डिटरमाइन ए बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीन। यदि हम आधुनिक तौर पे इसकी परिभाषा की बात करें तो वह फैक्टर, वह कारक जिसके द्वारा किसी भी जीव का जो जैविक लक्षण है उसका निर्धारण करने वाले जो कारक है उसे ही जीन कहते हैं। और इसको केमिकली हम कह सकते हैं जीन इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये जो हमारे वंशानुगति है जो पीढ़ी से पीढ़ी जाते हैं उसकी जो है वो फंक्शनल यूनिट, सबसे छोटा क्रियात्मक जो इकाई है, खंड है, वो हमारा जीन है। तो जीन को यह भी कह सकते हैं कि जीन आर द स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, या डीएनए के छोटे से खंड को कहा जाता है। तो इस टॉपिक के बाद, उसके बाद एक टर्म है, छोटा सा टर्म जो जीन है, जीन सब जो है सबसे पहले दिया गया था जॉनसन के द्वारा, जॉनसन ने टर्म जीन दिया था। उसके बाद बात करते हैं जीन थ्योरी, जीन का क्या सिद्धांत होता है, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ जीन। तो जीन सिद्धांत में दो चीज याद रखते हैं, दो सिद्धांत है इसकी, जीन्स आर लिनियरली अरेंज ऑन क्रोमोसोम। जीन कहाँ पे लिनियरली अरेंज है, गुणसूत्र के ऊपर। तो जीन जो होते हैं गुणसूत्र के ऊपर एक रेखीय रूप में अवस्थित होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जीन किसके ऊपर उपस्थित होता है, तो पहला आंसर है क्रोमोसोम, और किस प्रकार से है, तो लिनियरली अरेंज होता है। दूसरा है केमिकली जीन आर स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए, कह सकते हो रासायनिक रूप से जो जीन होता है हमारे डीएनए के जो विशिष्ट खंड है वो जीन कहलाता है, डीएनए के जो विशिष्ट खंड है उसको हम जीन कहते हैं। दूसरा टर्म आता है इसका जीन लोकस, जीन संबंधी जितने भी टर्म्स हैं पहले मैं वो पढ़ लेता हूं। जैसे कि अब एक आया जीन लोकस, तो पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, यानी कि जीन का जो पोजीशन है गुणसूत्र के ऊपर उसको हम लोकस कहते हैं। तो जीन लोकस एक टर्म है, इसको इस प्रकार कह सकते हैं, द स्पेसिफिक पैलेस ऑन ए क्रोमोसोम वेयर ए जीन इज लोकेटेड, हिंदी में क्यों, तो गुणसूत्र के ऊपर जहां पर भी जीन उपस्थित होते हैं उसे हम लोकस कहते हैं। तो लोकस जो टर्म है उसका लोकाई इज द प्लुरल टर्म्स ऑफ लोकस, जीन और लोकस एक दूसरे का मतलब अभिन्न अंग है, विदाउट लोकस के जीन नहीं हो सकते। जिस जगह पे जीन होता है क्रोमोसोम का, जिस भी पैलेस पे जीन उपस्थित होते हैं वह उस जगह को हम उसका लोकस कहते हैं। तो वो था सिंक्रोनस। बात कर लेते हैं एलील की, व्हाट इज एलील, एलील क्या है या एलोमॉर्फ भी कह सकते हैं, व्हाट इज एलील और एलोमॉर्फ। एलील्स इंडिकेट्स अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन व्हिच प्रोड्यूस, या कह सकते हैं कि पेयर्स ऑफ एलील्स, पेयर्स ऑफ जीन व्हिच प्रोड्यूस स्पेसिफिक और स्पेशल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन जनरेशन टू जनरेशन इज कंसीडर्ड एज एलील्स। तो हम कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स व्हिच गवर्न कैरेक्टर्स, है ना, पेयर्स ऑफ जीन इज गवर्निंग कैरेक्टर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं या एलोमॉर्फ कहते हैं। जैसे कि टॉल, लंबाई के लिए दो कैपिटल टी ये दोनों जो दिखा रहे हैं, ये दोनों जीन ये दिखा रहे हैं एलील्स को, ये एक पेयर्स हैं जीन जो लंबाई को सूचित करते हैं और ये एक एलील है। दूसरा है डार्फ, तो डार्फ में क्या है, स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, तो दोनों छोटे छोटे टी है जो डिफाइन कर रहे हैं क्या, एलील्स को, जो डार्फ को व्यक्त करते हैं। अब नेक्स्ट आज जो होमोजाइगस पढ़ेंगे, कुछ देर ही पहले हमने पढ़ा है कि एलील्स,
एलील्स जो है समजात गुणसूत्र पर पाए जाने वाले वैकल्पिक जीन के जोड़े जो विशिष्ट लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं एलील्स कहलाते हैं। एलील्स के जस्ट बाद हम होमोजाइगस जिसको समयुग्मजी कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि बोथ द जीन्स ऑफ ए कैरेक्टर्स आर आइडेंटिकल टू सेट टू बी होमोजाइगस और जेनेटिकली प्योर फॉर दैट कैरेक्टर्स। मीन्स क्या है कि समजात गुणसूत्र पर जब दोनों जीन समान रूप से होते हैं समान होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं होमोजाइगस। जैसे कि दो मतलब हम एक छोटा सा लेते हैं लंबाई टॉल, लंबाई के लिए ये जो हमारा हाइट है कोई भी चीज का प्लांट का हाइट, प्लांट का हाइट ले लेते हैं, प्लांट का हाइट लेते हैं लंबाई। लंबाई को व्यक्त करने के लिए जो किसी भी समजात गुणसूत्र पर कैपिटल टी है तो दोनों जीन जो है समान है, दोनों जीन समान रूप से हैं तो इसको हम होमोजाइगस कहते हैं। यदि इसी को डार्क को लेते हैं तो इसको डी करने के लिए दोनों स्मॉल टी लगाते हैं तो ये क्या है दोनों समान जीन है तो ये दोनों के दोनों एकता से क्या कहलाते हैं होमोजाइगस। अब बात करते हैं कि ये डोमिनेंट होमोजाइगस है, ये जो कैपिटल टी है प्लांट हाइट के लिए डोमिनेंट होमोजाइगस है और जो डार्फ है वो आपका होमोजाइगस रेसेसिव है। अब बात आ गया कि रेसेसिव और डोमिनेंट क्या है तो डोमिनेंट छोटा सा देखते हैं डोमिनेंट क्या है तो डोमिनेंट को प्रभावी बोलते हैं, डोमिनेंट जीन प्रभावी जीन। तो जब दो अलग अलग पेरेंट्स को आपस में क्रॉस कराते हैं तो उनके पहली पीढ़ी में उनके प्रथम पीढ़ी में जो गुण दिखाई देता है जो गुण दिखता है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं, डोमिनेंट जीन कहते हैं। और इसी का अगर जब हम बात करते हैं रिसेसिव तो रिसेसिव के लिए हम बात करते हैं कि जब दो अलग अलग पेरेंट्स को आपस में क्रॉस कराते हैं तो वैसे जीन जो उपस्थित होने के बावजूद भी उनका एक्सप्रेशन उनका जो मॉर्फोलॉजिकल उनकी जो कैरेक्टर्स है वो दिखता नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं रिसेसिव। तो डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है और रिसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर से व्यक्त किया जाता है। तो इसके बाद अब जो है होमोजाइगस के बाद अब हम दूसरा है इसके दूसरा जो है हेटरोजाइगस को डील करेंगे अभी मिटा के विषमयुग्मजी हेटरोजाइगस। समयुग्मजी पढ़ चुके हैं होमोजाइगस दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं कि समयुग्मजी तो पहले ही कहते हैं समजात गुणसूत्र पाए जाने वाले जीन के जोड़े जब एक जैसे होते हैं दोनों सेम होते हैं दोनों सेम लेटर से दिखाए जाते हैं तो इसको हम होमोजाइगस कहते हैं। और दूसरा ये है हेटरोजाइगस। इसमें क्या है समजात गुणसूत्र में पाए जाने वाले जीन के जोड़े जब दोनों अलग अलग होते हैं तो उसको जो भिन्न होते हैं तो इसको हम हेटरोजाइगस कहते हैं। बोथ द जीन्स ऑफ ए कैरेक्टर्स आर अनलाइक इज टू सेट टू बी हेटरोजाइगस और हाइब्रिड। ये हाइब्रिड क्या है हाइब्रिड का मतलब होता है जब दो अलग अलग पीढ़ी के दो अलग अलग क्वालिटी के डिफरेंट स्पीसीज को आपस में क्या कराते हैं दो अलग अलग जातियों को आपस में क्रॉस कराते हैं हाइब्रिड कहलाता है। तो दो ये जो है हेटरोजाइगस जो होता है जैसे कि एक कैरेक्टर हम लंबाई लेते हैं लंबाई और दूसरा है इसका अगेंस्ट में उसका जो कैरेक्टर्स है वो डार्क है दोनों को आपस में क्रॉस कराते हैं तो उसको हम इस तरीके से टॉल एंड डार्क दोनों को एक साथ लिखेंगे दोनों अलग अलग लीटर से आ जाएगा कैपिटल लीटर और स्मॉल लीटर तो इसको हम क्या कहते हैं हेटरोजाइगस। तो यदि हमको ये मालूम है हेटरोजाइगस इसको हेटरोजाइगस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में वो इस प्रकार से आते हैं यहाँ ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा इस पर फोकस करेंगे। वी नो द नंबर्स ऑफ हेटरोजाइगस पेयर्स वी कैन प्रिडिक्ट द फ्लोइंग। यानी कि यदि हम हेटरोजाइगस पता कर सकते हैं किसी भी प्रोजेनी में नंबर ऑफ हेटरोजाइगस कितने हैं तो हम इन चीजों को निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमिट्स कितने प्रकार के गैमिट्स बनेंगे। दूसरा नंबर ऑफ F2 का मतलब फर्स्ट जो है ये फिनोटिपिक रेशियो इसके जो नंबर ऑफ जो है फिनोटिपिक फिनोटाइप्स अब ये दो चीज आ गया फिनोटाइप्स और जीनोटाइप
तो फिनोटाइप और जीनोटाइप को अच्छे से अभी बताते हैं। और फिनोटाइप जो होता है शारीरिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, जीनोटाइप की वजह से, जीनोटाइप जीन की संरचना है, जीन की जो स्ट्रक्चर है हमारे क्रोमोसोम पे वो जीनोटाइप है, और वो जीनोटाइप की वजह से जो हमारे शारीरिक संरचना है वो फिनोटाइप है, उसको डील अभी किए देते हैं। ये जो नंबर ऑफ एक्टिव जनरेशन है ना उसको 3N से सूचित करते हैं, और ये N जो है नंबर ऑफ जो हेटरोजाइगस है, जैसे कि अभी हमको निकालना हो, यदि ऐसा है स्मॉल a और ये दोनों, इसमें हमको निकालना है नंबर ऑफ गैमेट्स, तो इसमें नंबर ऑफ हेटरोजाइगस देखना है, तो हेटरोजाइगस ये दोनों कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, ये तो दोनों होमोजाइगस है तो इसको तो लेना नहीं है, नंबर ऑफ हेटरोजाइगस लेना है, तो इसमें एक यही हेटरोजाइगस है, तो इसको ये नंबर ऑफ हेटरोजाइगस हमारे पास क्या है, एक है, हेटरोजाइगस की संख्या कितनी है, एक है। ये नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स निकालना हो तो 2 to the power n है, तो n इज हमको मालूम है एक है, तो 2 to the power 1 से क्या हो जाएगा, 2, तो नंबर ऑफ गैमेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2, और इसकी फिनोटाइप भी करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, और इसकी नंबर ऑफ एफ टू जनरेशन देखना है तो 3 to the power तो वो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। इस तरीके से हम इसको डील करते हैं। होमोजाइगस तथा हेटरोजाइगस को देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है वेटसन, तथा ये सुंदर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको दिया था। उसके बाद बात आती है जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप को जो है देने वाले वैज्ञानिक जो है जॉनसन है, जिन्होंने 1909 में इसका जो है खोज किया था। उसके बाद जो है जीनोटाइप जो होता है किसी जीन की संरचना है, किसी भी जीन में जो जीन की जो संरचना होता है, गुणसूत्र के ऊपर जीन की जो संरचना है वो उसका जीनोटाइप कहलाता है। तो जीनोटाइप इज द जेनेटिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के जो जीनोटाइप होते हैं उसके अनुवांशिक उसके जीन की संरचना होती है जो उसके गुणसूत्र पे संजात गुणसूत्र पे उपस्थित होते हैं। ये तीनों प्रकार से हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस हेटरोजाइगस फिर होमोजाइगस, ये तीनों प्रकार से होते हैं जीनोटाइप। ऑर्गेनिज्म विद रेफरेंस इसको आप पार्टिकुलरली पेयर्स में आप एलील्स के रूप में जीन के जोड़े के रूप में देख सकते हो, और इसको हम कह सकते हैं कि जीनोटाइप इज द जेनेटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी जीव का जो है जेनेटिक कंपोनेंट्स ये जेनेटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, तो आंसर उसका जीनोटाइप। तो जीनोटाइप को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड में यूज कर सकते हो, जीनोटाइप्स आर द जेनेटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का जो है जेनेटिक कंपोनेंट जो होता है जीनोटाइप होता है। और सबसे बड़ी बात है यहां से ऑब्जेक्टिव आ सकता हो, विच रेशियो इज कॉल्ड रियल रेशियो, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रियल रेशियो किसको कहते हैं, आंसर है जीनोटाइप को ही रियल रेशियो कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रियल रेशियो, आंसर होगा जीनोटाइप इज कॉल्ड रियल रेशियो। अब हम फिनोटाइप्स को भी जॉनसन ने दिया था, और फिनोटाइप जो होता है फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप के ही शारीरिक जो लक्षण है और जो प्रदर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीनोटाइप, कह सकते हो कि जीनोटाइप के द्वारा जो जीनोटाइप्स है एनवायरमेंट पर्यावरण जीन की संरचना और हमारे पर्यावरण के कारण जो हमारा शारीरिक लक्षण दिखाई देता है वो फिनोटाइप कहलाता है। जैसे कि जीनोटाइप ये है कैपिटल टी, दोनों जीनोटाइप की वजह से बच्चे लंबे होते हैं, हमारे पौधे के जो पौधे हैं वो क्या है लंबे हो रहे हैं, तो ये जीन तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इस जीन की वजह से पौधा लंबा हो रहा है, उसका बॉडी बड़ा हो रहा है वो हमको दिख रहा है, जो कहलाता है फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या है, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण और जीन की संरचना की वजह से जो शारीरिक लक्षण प्रदर्शित होते हैं किसी भी जीव का वो उसका फिनोटाइप कहलाता है, उसका फिनोटाइप कहलाता है। क्या है कि इट इज ऑल्सो नोन एज मेंडेलियन रेशियो, इसी को मेंडेलियन रेशियो कहते हैं, जैसे कि जीनोटाइप को रियल रेशियो कहते हैं उसी प्रकार जो फिनोटाइप है उसको मेंडेलियन रेशियो कहते हैं। तो जीनोटाइप रियल रेशियो और फिनोटाइप मेंडेलियन रेशियो, क्वेश्चन भी आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मेंडेलियन रेशियो, आंसर हो जाएगा आपका फिनोटाइप इज कॉल्ड मेंडेलियन रेशियो। नेक्स्ट क्या है कि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है ऑफ ऑर्गेनिज्म कलर, जैसे कि हम कह सकते हैं जो हमारा एक्सटर्नल
जो फीचर्स है, जो बाहरी जो लक्षण है, जैसे कि किसी भी जीव का कलर हो, उसका बिहेवियर्स हो, उसके लक्षण हो, है ना, वो सभी जो है वो फिनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनोटाइप। तो दो रेशियो होते हैं, जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, इसको जेनेटिक जीनोटाइप और फिनोटाइप, रियल रेशियो और मेंडेलियन रेशियो, और दोनों को देने वाले हैं जॉनसन है। इसके जस्ट बाद हम प्योर लाइन की बात करते हैं कि ये प्योर लाइन क्या होता है, इंपोर्टेंट है, प्योर लाइन क्या है, व्हाट इज प्योर लाइन। तो जेनरेशन ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विच प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ओनली वन टाइप। तो क्या है कि होमोजाइगस समयुग्मजी जो इंडिविजुअल्स है, जो जीव है, विशिष्ट है, उसके द्वारा जो एक जैसे ऑफ स्प्रिंग, एक जैसे जो संतान उत्पन्न किए जाते हैं वो प्योर लाइन कहलाते हैं। और दूसरा है जीन पुल। जीन पुल क्या होते हैं? जीन पुल क्या है? ऑल द और जीनोटाइप्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इन ए पॉपुलेशन फॉर्म्स जीन पुल। तो सभी जो जीनोटाइप्स होते हैं किसी भी जीव के पॉपुलेशन में, वो सब एक साथ क्या कहलाते हैं? जीन पुल। तो जीनोटाइप किससे जुड़ा होता है? जीनोटाइप की जो भी संरचनाएं हैं वो किसी भी पॉपुलेशन का वो क्या बना देता है? जीन पुल। अब इसके बाद छोटा सा छोटा जो टॉपिक है हम उसके बारे में देख लेते हैं, और दो पीढ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। कई बार सुनते होंगे F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन एंड सेकंड फिलियल जनरेशन। तो फिलियल का मतलब क्या होता है? फिलस का क्या मतलब होता है? फिलिया शब्द का मतलब होता है डाउटर, फिलिया शब्द का मतलब होता है डाउटर, और फिलस का मतलब होता है सन। तो हम F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी की बात करते हैं, जब दो अलग अलग जाति के जीव को पहली बार उसका जो कॉम्बिनेशन कराते हैं तो उससे जो संतान उत्पन्न करते उत्पन्न होता है उसे हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं। और फिर उन्हीं संतानों को जब हम आपस में क्रॉस करा देते हैं तो वो कहलाते हैं सेकेंड फिलियल जनरेशन। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन और सेकेंड फिलियल जनरेशन को कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1 और फर्स्ट फिलियल जनरेशन इज द जनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल। तो अनुवांशिक स्तर पे दो अलग अलग जातियों को जब हम डिफरेंट इंडिविजुअल विशिष्टी को जब हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो उस क्रॉस से जो प्रथम पीढ़ी उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और ये डिफरेंट स्पेसीज क्या कहलाते हैं? पेरेंट्स कहलाते हैं। तो दूसरी बात है सेकेंड फिलियल जनरेशन, तो जिसको हम F2 जनरेशन कहते हैं या सेकेंड फिलियल जनरेशन कहते हैं। ये जनरेशन है कि इन द जनरेशन इंडिविजुअल विच अराइजेस और रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग और इंटरब्रीडिंग अमंगस्ट द इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन। कहने का अर्थ है F1 पीढ़ी से उत्पन्न संतान को जब आपस में ही क्रॉस करा दिया जाता है तो उससे जो नए पीढ़ी उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? F2 जनरेशन। और F1 और F2 जनरेशन गिवन बाय वाटसन। F1 और F2 दोनों जनरेशन किसके द्वारा दिया गया है? वाटसन के द्वारा 1905 में। और यहाँ पे मैंने फिलस का मतलब सन और फिलिया का मतलब डाउटर। तो फिलिया शब्द भी जेनेटिक्स में कहीं भी दिखे तो इसका अर्थ यह है कि वो डाउटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि मैं इसको डील कर लूं किसी जनरेशन में इसको क्रॉस करा के तो इसको पहले मिटा देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। एक हम प्लांट हाइट लेते हैं तो दो प्रकार की हाइट हो जाएगी, एक टॉल हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। तो टॉल के लिए हम कैपिटल टी का यूज करते हैं और डार्क के लिए स्मॉल टी का यूज करते हैं। तो इस दोनों को आपस में क्या करते हैं? क्रॉस कराते हैं, है ना। तो दोनों को जब हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमको ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट प्राप्त होता है। तो ये जो बना ये कहलाता है F1 जनरेशन। क्या कहलाता है? F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी। और पुनः यदि हम इसको आपस में इनब्रीड करा दें तो पर्निट स्क्वायर के बारे में भी बताना है। यहाँ पे मिटेगा तो मैं इसको यहाँ पे F1 जनरेशन को मैं यहाँ पे डील कर देता हूं। हम यहाँ पे क्रॉस करा देते हैं तो यहाँ पे हम पर्निट स्क्वायर में इसको डालते हैं, F1 पीढ़ी को आपस में हम क्रॉस कराते हैं
तो फिर इस प्रकार का हमारे पास ये प्राप्त होता है। इसमें ये जो हमें प्राप्त हुआ, ये जो हमने बनाया वो क्या है, F2 जनरेशन। तो यहाँ पर मैंने F1 को आपस में इंटरब्रीड करा दिया, उसको आपस में क्रॉस करा दिया, इससे हमको F2 मिल गया, F2 PD मिल गया। और इसके अंदर में जितने भी जीन की संरचना और जीनोटाइप है, और इसके वजह से जो इसकी संरचना दिखेगी वो उसका फिनोटाइप कहलाएगा। अब छोटा सा है एक पनेट स्क्वायर, ये जो मैंने बनाया है वो है पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर क्या है, और एक बार छोटा सा टॉपिक है पनेट स्क्वायर देख लेते हैं। एक लास्ट टॉपिक हमारा है पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर थोड़ा हाइब्रिड को देख लेंगे क्या होता है। तो पनेट स्क्वायर जो होता है इट इज अ चेकर बोर्ड, इसको चेकर बोर्ड भी कहते हैं, जिसका उपयोग किया जाता है टू शो द रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। दो जीवों के बीच जो क्रॉस होता है, जो संकरण होता है, उसके रिजल्ट को दिखाने के लिए जिस बोर्ड्स का, जिस स्क्वायर्स का उपयोग किए जाते हैं उसको हम पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड कहते हैं। इसका जो खोज है इट इज डिस्कवर्ड बाय आरसी पनेट, इनका खोज जो है आरसी पनेट ने 1927 में किया था। और इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग इन जेटी क्रॉस। तो ये क्या है कि यह ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम दो जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच के जो क्रॉस है उसके प्रोबेबल जितने भी संभावित जीनोटाइप है उसके संख्या, उसकी जो नंबर्स है, प्रोबेबिलिटी है, उसको निकालने का ये तरीका है। तो कैसे निकालते हैं इसको, तो इसको पर इट स्क्वायर देकर, नंबर ऑफ स्क्वायर क्या करते हैं कि जितनी भी नंबर ऑफ हाइड्रोजाइगस टू द पावर एन करते हैं, तो इससे आपको नंबर ऑफ स्क्वायर मिल जाता है, नंबर ऑफ स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने स्क्वायर होने चाहिए, नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे, टू टू दी पावर एन, एन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ हेट्रो हाइड्रोजाइगस। जैसे कि हम एक ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, मतलब ये ऐसे ऐसे है, दो मान लेते हैं हमारे पास दो अलग, और ये ऐसे है और दूसरा ऐसा है और तीसरा ऐसा है, हमारे पास ये चारों है। तो टोटल ये चारों हमारे पास संभावित क्रोम एलिन्स हैं, तो बताइए इसमें कितने कितने स्क्वायर्स बनेंगे। तो ये हेट्रोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस और ये होमोजाइगस, तो ये दो हो गया, टू टू दी पावर कितना हो जाएगा, एन में टू टू दी पावर टू, तो ये क्या होगा, चार। तो हमारे पास कितने स्क्वायर बनेंगे, चार। तो इस दोनों को क्रॉस कराने के लिए कितने स्क्वायर की जरूरत है, चार स्क्वायर की जरूरत है। तो कैसे, इस प्रकार इसको हम ऐसे देख लेते हैं, इसको चार स्क्वायर के लिए हम ऐसे देख लेते हैं, टोटल कितने स्क्वायर हो गए, यहाँ पे इसको इससे क्रॉस करा के यहाँ पे लिख देंगे, इसको यहाँ पे क्रॉस करा के यहाँ पे लिख देंगे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये है प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, ये प्योर रिसेसिव डार्फ है, और यह इम्प्योर डोमिनेंट और ये इम्प्योर डोमिनेंट हेट्रोजाइगस है ये दोनों। तो इससे हमको इसके जीनोटाइप पता चलता है, इसके कितने प्रकार के इसमें जीनोटाइप है, तो कितने प्रकार के, इधर है एक प्रकार का ऐसा, दूसरा ये है, और ये दोनों एक जैसे, तो टोटल तीन प्रकार के जीनोटाइप हमको इससे क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये ज्योग्राफिकल ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे हम किसी भी दो पेरेंट्स को आपस में क्रॉस कराकर हम क्या निकाल सकते हैं, उनके प्रोबेबल जो संतान है उनके जीनोटाइप हमको प्राप्त होता है। अब एक छोटा सा बात है कि हाइब्रिड क्या है, तो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट जेनेटिकल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड हाइब्रिड। तो ऐसे इंडिविजुअल जो अनुवांशिक स्तर पर दो अलग अलग जीवों के आपस में क्रॉस कराने से जो उत्पन्न होता है उसे हाइब्रिड कहते हैं। तो ये सभी जो भी हमने पढ़े वो सब है, ये जो सभी है वो बायोलॉजी के टेक्निकल वर्ड्स है, जेनेटिक्स के टेक्निकल वर्ड्स है, जो उपयोग में आते हैं, इनहेरिटेंस के स्टडी में उपयोग में आते हैं। इतने के बाद हम जब अब टर्म का यूज करेंगे तो उसका मीनिंग आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो पढ़ाएंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन।